उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ नाम बदलने का दौर का असर अब हिमाचल में भी देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में रावण दहन के मौके पर इसके संकेत दिए हैं। अंग्रेजों ने हिमाचल के कई पौराणिक नामों को बदलकर अंग्रेजों का नाम रखे हैं। शिमला नाम भी आने वाले दिनों में सरकार बदलकर श्यामला रख सकती है। इसी प्रकार से रिज, स्कैंडल पॉइंट, डलौजी, पीटरहॉफ, वॉयस रायस रीगल, एडवांस स्टडी आदि नामों को सरकार बदल सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अंग्रेजों ने हमारी कुछ पुरानी चीजों के नाम गलत बदले हैं, जिनका सरकार लोगों के सुझाव लेने के बाद बदल सकती है। इस बात को लेकर के हमारे पास भी सुझाव कई आए, बहुत सारी चीजें जो अंग्रेजों की गलत बातों का स्मरण कराती, उस दृष्टि से उन प्रचलित नाम हो गए, उनने नाम रख लिए और उन नाम को आज भी उसी तरह से चलाया जा रहा है। हम इस पर विचार कर रहे हैं, अगर आवश्यकता हुई तो उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। जैसे शिमला और डलहौजी जो है वो लॉर्ड डलहौजी के नाम से पड़ा, पीटर हॉफ जो है, इस तरह के नाम जो है वो अंग्रेज है। बहुत सारे नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम ले लो उस दृष्टि से, एक दो नाम ये विचार के लिए एक विषय है। एक दो नाम ले, इसमें पीटर हॉफ की बात कर सकते हैं, हम स्कैंडल पॉइंट की बात कर सकते हैं, रिज की बात कर सकते हैं, ये सारे उस तरह के नाम है, इस तरह के नाम है जो हमारे एडवांस का जो वाइस लीगल हॉल जाना जाता है, तो उसमें इस प्रकार के ये नाम है जो मुझे लगता है कि पुरानी उन बातों को स्मरण करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतिहास का वो हिस्सा है और हमको उन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए, उन्हीं चीजों पर हमको विचार करना चाहिए जो सुझाव जो हमको जो है इस प्रकार के अंग्रेजों के जमाने में जो बुरी बातें हुई हैं, बुरी तौर तरीके से की गई है, उन बातों को अगर स्मरण कर मुझे तो उसमें परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि जनता का सुझाव इसमें अगर आए तो ज्यादा अच्छा। जी, थैंक यू।